Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God. धन्यवाद माइटी जीसस, धन्यवाद माइटी जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद माइटी फादर, आपके वंडरफुल प्रेजेंस में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, वेलकम है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ओ जीसस हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया, प्रेज अबारा कंदा नमस्ते केरे, यस धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, ओ जीसस हालेलुया, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावन की पाक हजूरी में आप सबका वेलकम है। मैं प्रॉपर्टी जमानत मसीह खुदावन की पाक हजूरी में खुदा के वचन को लेकर आई, और मेरा बिलीव है कि आज जितने खुदा की आवाज को सुनेंगे इस फास्टिंग प्रेयर में, इस सर्विस में शामिल होंगे, खुदावन का आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, उसका अनुग्रह जो जीवित परमेश्वर का कहलाता है आप पर ठहरेगा, माइटी नेम ऑफ जीसस, री ब्राकांदा नमा, यस धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर, हम आपका दिल से दिल से दिल से शुक्रगुजार होते हैं प्रभु, ओ जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावन की पाक हजूरी में आप सबका वेलकम है, खुदावन की वंडरफुल प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है, धन्यवाद यीशु इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए प्रभु, इस अगुवाई के लिए प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस हालेलुया, जितने कनेक्टेड हो रहे खुदावन की वंडरफुल प्रेजेंस में, खुदावन आपको आशीष और, थैंक यू जीसस हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावन की हजूरी में सब शामिल होते हुए खुदावन की प्रेजेंस को बांटते हुए हम खुदा की पाक हजूरी में आएंगे। मैं बिलीव करती हूँ कि जितने मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो आशीषित हो रहे हैं, वो खुदावन की प्रेजेंस में आ रहे हैं, माइटी नेम ऑफ जीसस, वो मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, मानत मसीह के साथ नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, उसकी प्रेजेंस के साथ वो शामिल हो रहे हैं, उसकी उपस्थिति में वो शामिल हो रहे हैं, माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, री ब्राकांदा नमस्ते केरेबे, ओ जीसस हालेलुया, 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 थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, खुदावन की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम है, खुदावन की वंडरफुल प्रेजेंस में आप सबका वेलकम है, माइटी नेम ऑफ जीसस, आप सब आशीषित हो, आप ब्लेस हो, आज का सर्मन, आज का वर्ड, आज की मीटिंग, आज की स्ट्रीमिंग आपके लिए बड़ी बरकत का कारण हो, यीशु नासरी के पवित्र नाम में, थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, रोज सिखर अबारे, हालेलुया, 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 ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, लाइव को शेयर कर कर, लाइव को शेयर कर कर खुदावन की हजूरी में आएंगे, लाइव को शेयर कर कर खुदावन की हजूरी में, लाइव को शेयर कर कर आएंगे, थैंक यू जीसस, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस वंडरफुल प्रेजेंस के लिए मेरे परमेश्वर, जो इस समय हमारे बीच है खुदावन, तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है पिता, और मेरा विश्वास है वो आनंद हमारे बीच मौजूद है मेरे परमेश्वर, वो तेरी उपस्थिति हमारे बीच शामिल हो चुकी है प्रभु, और मैं बिलीव करती हूँ पिता, जितने जन इस उपस्थिति में शामिल हो रहे पिता, आपकी प्रेजेंस उनमें बढ़ती जा रही है खुदावन, आपकी मौजूदगी उन
उनके जीवन का बड़ा हिस्सा बन रही है मेरे परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज अबा। मिस्टर पिंटू, गॉड ब्लेस यू। खुदावन की उपस्थिति में आपका वेलकम है, खुदावन की वंडरफुल प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सच में वो जीवित परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने पाए और आपके जीवन से वो सारी रुकावटें जो खुदा की उपस्थिति में आ रही है, खुदावन की उपस्थिति में जाने के लिए जितनी भी रुकावटें आ रही है, माइटी नेम ऑफ जीसस, आज वो ब्रेक होने पाए, माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मंजू, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की उपस्थिति में आप ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, खुदावन का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में यीशु नासरी के नाम से कार्य करे, माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड। री ब्रकांदा नमा बाबा रिसा खराबा, यस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माइटी फादर। जितने में सब कनेक्टेड है, लाइव को शेयर करके खुदावन की प्रेजेंस में आएंगे, खुदावन की वंडरफुल प्रेजेंस में आप लाइव को शेयर कर कर आएंगे, मेरा बिलीव आज मेरा परमेश्वर आपको छुएगा, आजाद करेगा और आपके जीवन की सारी सारी रुकावटों को आज स्ट्रीमिंग के द्वारा वो खोलेगा, माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रीतपाल सिंह, गॉड ब्लेस यू, खुदावन की उपस्थिति में आपका वेलकम है। मॉरिस डिसूजा, गॉड ब्लेस यू, खुदावन की वंडरफुल प्रेजेंस में आपका वेलकम है। गॉड ब्लेस यू, आप जहां से भी वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने एरिया के साथ लिखेंगे कि खुदा आपको किस छोर से इस लाइव में लेकर आए, हालेलुया, किस छोर से आप खुदावन की आवाज को सुन रहे हैं, खुदावन के कलाम को आप किस छोर से, पृथ्वी के किस छोर से खुदावन की आवाज को सुनकर आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जगह के साथ खुदा की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। री ब्राकांदा नमस्ते खेरेबे, यस, हालेलुया। प्रीतपाल बिहार से, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आप जहां से भी खुदावन की उपस्थिति में, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करे यीशु नासरी के पवित्र नाम में, हालेलुया। मंजू रांची झारखंड से, गॉड ब्लेस यू मंजू, आप बड़े डिस्टेंस से खुदावन की आवाज को सुन रही हैं, आप बहुत बड़े डिस्टेंस से खुदावन की आवाज को सुन रही है और मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज अबरकंदा नमस्ते खेरेबे, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी वंडरफुल प्रेजेंस के दिल से शुक्र गुजार होते हैं। सच में मेरे परमेश्वर, आपके लोग आपसे प्रेम करते हैं खुदावन, इस समय पिता ये संसार से अलग होकर आपकी उपस्थिति में आए पिता, संसार से अलग होकर, संसार से डिस्टेंस कर खुदावन इन्होंने आपकी आवाज को, आपकी आवाज को सुनना चाहा है मेरे परमेश्वर। मेरा बिलीव है खुदावन, जितने आज आपकी आवाज को सुनेंगे प्रभु, जितने आज के वर्ड्स को सुनेंगे प्रभु, जितने आज के वचन को सुनेंगे लॉर्ड, मैं बिलीव करती हूँ आप रिसीव करें, खुदावन आपको ब्लेस करेगा, आपके सारे बंद द्वार मेरा परमेश्वर खोलेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में, ओ जीसस, हालेलुया। राकेश, गॉड ब्लेस यू खुदावन की उपस्थिति में। जयप्रकाश, गॉड ब्लेस यू खुदावन की उपस्थिति में, खुदावन आपको ब्लेस करे, माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। लाइव को शेयर कर आप खुदावन की प्रेजेंस में आएंगे। उषा रानी, खुदावन की प्रेजेंस में लाइव को शेयर कर आप आएंगे, कहां से आप खुदा की आवाज को सुन रहे वहां से आप लाइव को शेयर कर आएंगे। प्रेज अबरकंदा नमरबा शुखरबो, यस, धन्यवाद माइटी फादर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी वंडरफुल प्रेजेंस का धन्यवाद करती हूँ पिता, ये उपस्थिति पिता इनके जीवन में बड़ा कार्य करे यीशु नासरी के पवित्र नाम में, ये प्रेजेंस इनके जीवन में बड़ा कार्य करे यीशु नासरी के पवित्र नाम में। थैंक यू फादर। लाइव को शेयर बात करते हैं पिता। उषा रानी लुधियाना से, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको ब्लेस करे, माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावन आपको आशीष और बरकत दे यीशु नासरी के पवित्र नाम में, हालेलुया। लाइव को शेयर कर वर्ड में जाने से पहले, खुदावन के कलाम को सुनने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप जितना खुदा के कलाम को बांटना चाहते हैं आप बांट दे, जितना भी आप खुदा के वर्ड को जिस घर में, जिस परिवार में, जिस सदस्य को आप खुदा का वर्ड आज देना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलना चाहते, उनके परिवार में बदलाव चाहते, तो आज का ये सर्मन, आज की ये लाइव आप उनको बांटे, और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, मेरा परमेश्वर उन घरों में, उन परिवारों में, उन सदस्यों में बड़ा कार्य करेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। वो अद्भुत रीति से उनके हृदय में प्रवेश करेगा और अद्भुत रीति से उनके जीवनों में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू प्रीतपाल, हिमाचल प्रदेश से, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको ब्लेस करे, माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रेज गॉड, खुदावन आपको टच करे,
आप जहां से भी वॉच कर रहे हैं खुदावन की, खुदावन की, खुदावन की प्रेजेंस, खुदावन का आत्मा, खुदावन की जुम्बश आपको राइट नाउ टच करे इन द नेम ऑफ जीसस, टच करे इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी बुद्धि समझ खुले आज के वचन के लिए, आज का वचन आपको होश में लेकर आए, आज का वचन आपकी लाइफ में एक बड़ा बड़ी बड़ी ब्लेसिंग का कारण बने यीशु नासरी के पवित्र नाम में। हालेलुया। और सारू कुमार गॉड ब्लेस यू, खुदावन की उपस्थिति में गॉड ब्लेस यू। आप जहां से भी वॉच करे प्रेज अबरकंदनमसखरबो, यस खुदावन का आत्मा आपको टच करे पिंटू माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन की प्रेजेंस में आप जहां से भी वॉच करे टच इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन का स्पर्श आप पर ठहरे, उसका आत्मा आप पर छाया करे यीशु नासरी के पवित्र नाम में। ओ जीसस हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। महावीर मसीह गॉड ब्लेस यू, खुदावन की उपस्थिति में आप ब्लेस सो माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा आपको छुए, आप जहां से भी वॉच कर रहे हैं हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये चार दिन लगातार हम फास्टिंग प्रेयर में लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। ये चार दिन 24 से लेकर 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक रेगुलर लाइव होगी 7 PM इस पेज पर। 7 PM रेगुलर लाइव चलेगी। अगर आप भी इस उपवास प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, अगर आज का दिन आपका मिस हो चुका है या आज आपको नहीं पता चला उपवास के बारे में, तो ये 4 days उपवास के हैं और इस 4 days में रेगुलर फास्टिंग चलेगी। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जितने जन जो भी विषय से आज इस 4 दिनों में उपवास में जाएंगे, मेरा परमेश्वर एक बड़ी बड़ी टेस्टिमनी का हकदार उन्हें बनाएगा माइटी नेम ऑफ जीसस। 24 से लेकर 27 तक रेगुलर 4 days फास्टिंग प्रेयर चलेगी इस पेज पर 7 PM 7 PM रेगुलर प्रेयर चलेगी। और अगर आज की फास्टिंग प्रेयर आपने मिस कर दी है, आज का फास्टिंग आपने मिस कर दी है, तो कल भी उपवास की प्रार्थना होगी 7 बजे, तो आप कल भी फास्टिंग रख सकते हैं। और मेरा बिलीव है आप जिस विषय को उठाओगे, आप जिस विषय पर परमेश्वर से बात करोगे, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट परमेश्वर उसको टेस्टमनी बनाएगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। वो नेक्स्ट आपकी टेस्टमनी बनेगा माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ 24 से लेकर 27 तक जो भी जिस विषय पर खुदा उनकी प्रेजेंस में आएगा, जिस भी विषय को खुदावन की उपस्थिति में रखेगा, मैं बता रही हूँ नेक्स्ट वो विषय नहीं रहेगा, वो टेस्टमनी बनेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। परमेश्वर उसको गवाही घोषित करेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। वो आपके लिए विषय से बदल कर टेस्टमनी बनेगी, वो विषय से बदल कर गवाही बनेगी यीशु नासरी के पवित्र नाम में। रिब्राकांडा नाम सोखोरोबो। ओ जीसस मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी वंडरफुल प्रेजेंस की हम तारीफ करते हैं खुदावन, जो इस जगह पर मौजूद है और जिसे मैं महसूस कर रही हूँ प्रभु, वो प्रेजेंस हमारे बीच कार्य कर रही है लॉर्ड। रिका मारो सोखोरोबो, यस धन्यवाद माइटी फादर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बलविंदर भट्टी गॉड ब्लेस यू, खुदावन की उपस्थिति में टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य हो, आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूँ ये दिन आपके लिए आशीष के माइटी नेम ऑफ जीसस। ये दिन मैं आपके लिए ब्लेसिंग के डिक्लेयर करती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। जितनी शर्मिंदगी निराशाएं आपके जीवन में, वो कैंसल होकर माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस ब्लेसिंग बन रही है। री ब्राकांदा नामा सोखोरोबो, यस धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यस प्रेकेंदरे बे सिखा रबा, यस मेरे परमेश्वर सब ब्रेक हो रहा है, सब टूट रहा है, वो सारे बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं, वो सारी शर्मिंदगियां कैंसिल हो रही है, वो सारी रिजेक्शन कैंसिल हो रही है माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरा परमेश्वर जो जीवितों का परमेश्वर है, जो मुर्दों का नहीं परंतु जिंदों का परमेश्वर, वो आज आपके लिए कार्य करेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। वो कार्य जो उसने इज़राइलियों के लिए किया, वो कार्य जो उसने दाऊद के लिए किया, वो कार्य जो उसने अपने चाहने वालों के लिए किया, आज वो आपके लिए यीशु नासरी के पवित्र नाम में करेगा। हालेलुया। मैं इसी वक्त डिक्लेयर करती हूँ, मेरा परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए वर्क करेगा, वो ना सोएगा ना वे थकेगा, परंतु आपके लिए वो कार्य करेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। हालेलुया।
वो आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। अगर आप उसे बुलाते तो वह उत्तर देगा। बाइबल बताती है वो झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। अगर आज आप प्रेयर कर रहे हैं, अगर आज आप खुदा की उपस्थिति में जा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये चार दिन अगर आप मेरे साथ शामिल हैं, 24 से लेकर 27 तक अगर आप मेरे साथ शामिल हैं इस फास्टिंग प्रेयर में, मैं बता रही हूँ मेरा परमेश्वर मिरेकल्स साइंस एंड वंडर्स करने के लिए तैयार है। यीशु नासरी के पवित्र नाम में आप बिलीव करें, रिसीव करें यीशु नासरी के पवित्र नाम में। आप विश्वास करें और ग्रहण करें। हालेलुया। आप विश्वास के साथ ग्रहण करें। माइटी नेम ऑफ जीसस। मोहन गॉड ब्लेस यू। खुदावन की उपस्थिति में आप ब्लेस हो, खुदावन की प्रेजेंस में आप आशीषित हो। माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर आप छुए, आप ब्लेस करे, आप ब्रेक करे सारे बैरियर्स को, आप ब्रेक करे सारी रुकावटों को, आप ब्रेक करे सारी शर्मिंदगियों को। हर एक चीज, हर एक बंद चीज इनके लिए खोल दी जाए, हर एक बंद आशीष इनके लिए खोल दी जाए, हर एक बंद प्रेयर लाइफ खोल दी जाए, हर एक बंद स्पिरिचुअल लाइफ खोल दी जाए यीशु नासरी के पवित्र नाम में। री ब्राकान दोनों में यस खुदावन। हर एक बंद आत्मिक जीवन खुल जाए, हर एक बंद प्रेयर लाइफ खुल जाए, हर एक बंद बंधन यीशु नासरी के नाम से खुल जाए। प्रेज द बरकान द नमा सुखोरबो यस खुदावन। हालेलुया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तू ज्यादा देर तक शर्मिंदा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। तू ज्यादा देर तक हमें बंदुआई में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। तू ज्यादा देर तक हमें गिरे रहने देने वाला परमेश्वर नहीं है। तू हमें खड़ा करने वाला, स्थिर करने वाला, दृढ़ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और आज जितने गिरे हुए उठाए जाएंगे, जितने शर्मिंदा वो फिर से खुदा के नाम से महिमा पाएंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। रिकाराबा सखाराबा यस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। अरविंद कुमार गॉड ब्लेस यू। खुदावन की उपस्थिति में आप ब्लेस हो। खुदावन का आत्मा आपको शुअर राइट नाउ जहां से भी आप वॉच कर रहे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अरविंद कुमार टच होली गोस्ट। शुए पवित्र आत्मा जी भाई को शुए, भाई को शुए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। री ब्राकांदा नमस्ते केरेबे। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। अरविंद कुमार मैं आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन को महसूस कर रही हूँ कि आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है, आपकी बॉडी झनझनाती है, आपकी बॉडी में झनझनाहट उठती है। ऐसा ऐसा आपकी बॉडी में हो रहा है। अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, झनझनाती है। यस। ओ रिकाराबा सुखोरबो सिखारा मंदाराबा सेखेरेबे। ओ रिब्राखंदा नमा सेखेरेबे रियांदा नमाराबा सेखेरेबे। अरविंद ओ जीसस। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ओ जीसस। प्रेज गॉड। रिब्राखंदा नमा सुखोरबो यस। अरविंद आप कह रहे जी आपके साथ ऐसा ही होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनके लिए परमेश्वर का आत्मा बात करता है आपसे विनती निवेदन है कि आप पूरा कमेंट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि कमेंट जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं और पढ़े नहीं जाते हैं। तो अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और अगर आपके साथ वैसा हो रहा है तो आप फटाफट आप कमेंट को पूरा लिखेंगे, कमेंट में पूरी तरह से उसको लिखेंगे ताकि हम फटाफट पढ़कर पवित्र आत्मा के जरिए बात कर सके। हालेलुया। तो अरविंद ब्रदर कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा ही होता है। ओ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आज डिक्लेयर कर रही हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाने जा रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा अरविंद आप जहां से भी वॉच करो अपने सर पर हाथ रखो, आज आप हील होने जा रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर आपको डिलीवर कर रहा है। आज हर प्रकार का, हर प्रकार की बीमारी का, हर प्रकार के अंधकार का आखिरी दिन है माइटी नेम ऑफ जीसस आपके जीवन में। इसी वक्त मेरा परमेश्वर अरविंद को आजाद करे। जहां से भी मेरा भाई इस समय लाइव में मौजूद है, मेरा परमेश्वर अगर इन्होंने अपने सर पर हाथ रखा है राइट नाउ मैं डिलीवर करती हूँ, आजाद करती हूँ हर एक बंधन से, हर एक जुए से, हर एक शराब से, हर एक बीमारी को लाने वाली दुष्ट आत्मा से मैंने फ्री करती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद यीशु नासरी के पवित्र नाम में। अरविंद आजाद हो, हर एक बंधन से आजाद हो, हर एक जुए से आजाद हो, हर एक बीमारी से, श्राप से, दुष्ट आत्माओं की युक्तियों से राइट नाउ फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अरविंद आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं यीशु नासरी के पवित्र नाम में। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो माइटी नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा आपको छुए राइट नाउ। प्रेज द बरकंदा नमा सुखोरबो यस। माइटी 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 नेम ऑफ जीसस। री ब्राकंदा नमा शू। मेरे परमेश्वर इसी वक्त भाई को आजाद करे।
सतनाम सिंह, गॉड ब्लेस यू। खुदावन की उपस्थिति में आप ब्लेस हो, माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा आपको टच करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप लाइव को प्रॉपर सुन पा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा प्रॉपरली वॉइस को आप तक क्लियर कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि नेटवर्क इश्यू कोई भी नहीं आ रहा, नेटवर्क इश्यू। प्रेज गॉड, टच माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा आपको छुए, जितने इस समय लाइव है, माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे, आपकी लाइफ में कार्य करे। बेंजामिन जॉन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू मिस्टर पिंटू मेहरा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज अबरकंदा नमस्ते केरेबे। यस, मेरा परमेश्वर आपको टच करे, आपकी लाइफ से सारी रुकावटें खुले। यस, माइटी नेम ऑफ जीसस। यस, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू डिक्लेयर माइटी नेम ऑफ जीसस। पिंटू, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। रे राखा साम्रो तो लोगो। यस, सुनील, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको टच करे माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा आपको छुए यीशु नासरी के पवित्र नाम में। यस फादर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की ताकतें, अंधकार की योजनाएं आज के वर्ड के द्वारा आपकी लाइफ से जाए, आज के वर्ड के द्वारा आपकी लाइफ से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़े और निकले यीशु नासरी के पवित्र नाम में। अगर आपका विश्वास बढ़ा है तो मेरा परमेश्वर आपके लिए बड़ा कार्य करेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया, प्रेज अब। ओ प्रेज अब, प्रेज अब। प्रीतपाल सिंह, अपने सर पर हाथ रखो, आप जहां से भी वॉच कर रहे हैं, प्रीतपाल अपने सर पर हाथ रखो, मेरा परमेश्वर आज आपको फ्री करेगा। यस फादर, यस फादर, मैं डिक्लेयर करती हूं हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की अंधकार की ताकत इस भाई की बॉडी को छोड़कर जाए। प्रीतपाल आजाद हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। डॉक्टर के वर्ड्स कैंसिल होकर पिता आपका मिरेकल रिलीज हो यीशु नासरी के पवित्र नाम में। आपका मिरेकल, आपकी चंगाई भाई की बॉडी में, सर के बाल से लेकर पैर के तले तक रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन टच करे, फ्री करे, आजाद करे लॉर्ड। आपका आपका मसा भाई को आजाद करे मेरे पिता। आपका अभिषेक इसके जुओं को तोड़े यीशु नासरी के पवित्र नाम में। माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त प्रीतपाल आजाद यीशु नासरी के पवित्र नाम में। और मैं डिक्लेयर करती हूँ एक बड़ी टेस्टमनी को, मैं डिक्लेयर करती हूँ एक बड़ी बड़ी चंगाई को, मैं घोषणा करती हूँ उस टेस्टमनी की, बड़ी चंगाई की यीशु नासरी के पवित्र नाम में। माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन, थैंक यू जीसस। अगर आप रिसीव करें, मेरा परमेश्वर बड़ा कार्य कर रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन का आत्मा सामर्थी आत्मा है। मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, वो सामर्थ का आत्मा। हालेलुया, वो आपको चंगा करने की सामर्थ रखने वाला आत्मा। हालेलुया, वो प्रभु के निकट लेकर जाने वाला आत्मा। हालेलुया, अगर आप बिलीव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको यीशु के करीब कोई लेकर जा सकता है, अगर यीशु का प्रेम आप पर प्रकट कर सकता है, तो सिर्फ होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही मेरे लिए महिमा को प्रकट कर सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही प्रभु को महिमा देता है। हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु को महिमा दे और गहराई से दे, तो पवित्र आत्मा की मदद ले, पवित्र आत्मा की सहायता ले, क्योंकि वही है जो प्रभु की महिमा दिलों की गहराई से निकालता है। हालेलुया, उसकी प्रेज को दिलों की गहराई से निकालता है, उसके प्रति प्रेम को दिलों की गहराई से निकालता है। वो होली स्पिरिट आज आपके जीवनों में प्रभु के प्रेम को दिलों की गहराई से रिलीज करे माइटी नेम ऑफ जीसस। राकांदा नामा सोकोरोबो। यस मेरे परमेश्वर, आज रिलीज हो मेरे परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस रिलीज हो, आपका मस्सा रिलीज हो, आपका अभिषेक रिलीज हो मेरे परमेश्वर। आज सब कुछ तोड़ कर मेरे परमेश्वर, अंधकार की ताकतों को रौंद कर मेरे परमेश्वर, आज अपनी प्रेजेंस को रिलीज करे आपके बेटे और बेटियों में माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, ओ जीसस, हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर, हालेलुया। मैं हर बार आपको एक ही बात कहती हूँ कि वो महान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और मैंने हर बार कहा है, सब कुछ में सब कुछ होता है जो जमीन और आसमान का है। हालेलुया, वो एवरीथिंग पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया।
दिया। आपकी बीमारी चंगा करने के लिए वो संभव परमेश्वर है, वो 100% श्योरिटी करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी बीमारियों को चंगा करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आपको चंगा करना पॉसिबल है, आपको उत्तम करना पॉसिबल है, आपकी ब्लेसिंग्स को बढ़ाना उसके लिए पॉसिबल है। यीशु नासरी के पवित्र नाम में सब चीजें उसके लिए पॉसिबल है। माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, रिब्रा खानदा नमा सोकोरोबो, यस माइटी जीसस। मंजू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। मंजू, इसी वक्त एलिस को मैं आजाद करती हूँ यीशु नासरी के पवित्र नाम में। मैं एलिस को आजाद करती हूँ, उसकी हड्डियों को, उसकी नसों को यीशु नासरी के नाम में मैं आजाद करती हूँ, माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। निशा, आपकी फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ, माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके घराने को मैं आशीषित करती हूँ, माइटी नेम ऑफ जीसस। कुमुंदनी, हम आपके सन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बंद द्वार भाई के लिए यीशु नासरी के नाम से खुल जाए। टच होली गोस्ट, टच होली गोस्ट। मोहन, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावन आपको टच करे। सुनील, खुदावन का आत्मा आपको टच करे, आपकी वाइफ को, मिथिलेश देवी को टच करे राइट नाउ। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा राइट नाउ आउट इन द नेम ऑफ जीसस, उसकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकले। हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्मा राइट नाउ आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन का स्पर्श उसे इसी वक्त फ्री करे, खुदावन का टच उस दुष्ट आत्मा को उसकी बॉडी से आउट करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद माइटी जीसस, धन्यवाद करते खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रेज करते हैं, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन सच में आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, सच में वो हमें आजाद करना चाहता है, वो सच में हमारे जीवनों को बदलना चाहता है, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां दुखों में हर प्रकार की परिस्थितियों में फंसे रहे। आपका परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, हमारा परमेश्वर हमें निराश रखना नहीं चाहता, हालेलुया। वो हमें हताश करना नहीं चाहता, हालेलुया। वो आपको ना निराश करता है और ना ही निराश रहने देता है, हालेलुया। अगर आज आपका जीवन में निराशा है, अगर आज आपके जीवन में परेशानियां, अगर आज आपके जीवन में प्रभु नहीं है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है, वो है परमेश्वर का वचन ना होना, वो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उसकी प्रजा कैसे नाश हो रही है बिना ज्ञान के, बिना वचन के ज्ञान के, बिना वचन के पढ़ने के, बिना वचन में चलने के, उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। बहुत से लोग बीमारियों में, परेशानियों में, दुख में, हर प्रकार की कंडीशन में फंसे, उसका कारण क्या है, वचन का ना होना, वचन की बातों का पता ना होना, वचनों का ज्ञान ना होना, हालेलुया। आज अगर आप दुख देख रहे हैं, तो आप अपने आप को जांचे कि आप परमेश्वर के वचन को कितना जानते। अगर आज आपकी लाइफ बहुत जरा से, हर तरह से बेकार चल रही है, परेशान चल रही है, दुखी चल रही है, तो आप अपने आप को जांचे कि आपको कितना वचन पता है, आप कितना वचन को जानते हैं और कितना वचन को मानते हैं और कितना उसमें चलते हैं, हालेलुया। क्योंकि शैतान का प्रभाव हम पे ज्यादा कब बढ़ता है, शैतान का प्रभाव हम पर भारी कब होता है, जब वचन से हमारा मेल खत्म होता जाता है, जब वचन हमारे बीच से निकलता जाता है, जब वचन हमारे अंदर से बाहर हो जाता है, हालेलुया, तब शैतान का प्रभाव हम पर बढ़ता जाता है, उसका दबाव हम पर आता है, हालेलुया। वो हमें प्रेस करना शुरू करता है, वो हमें दबाना, बीमारियों में, लाचारियों में, दुख में, निराशाओं में, वो हमें दबाना शुरू कर देता है। उसका बड़ा कारण है वचन का ना होना, परमेश्वर के वर्ड को रिमेम्बर, मनन ना करना, उसका बड़ा कारण है कि शैतान को एक बड़ा अवसर मिलता है, उसको एक बड़ा मौका मिलता है कि वो आपके जीवन में इजिली प्रवेश करे, हालेलुया, वो आपकी लाइफ में इजिली एंटर करे, हालेलुया। उसके लिए सबसे साधारण मनुष्य को नाश करने का, मनुष्य को गलत काम में डालने का, मनुष्य को गलत गलत मार्ग में डालने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वही क्यों है, क्योंकि जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं है, जिनके पास वचन को पढ़ने का, उसको समझने का, उसमें चलने का वक्त नहीं है, हालेलुया। और फिर उनकी लाइफ एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट करती है, उनकी लाइफ में एक बड़ा दुख आता है, उनकी लाइफ में बड़ी समस्याएं आती है,
फिर वो किसी को ढूंढते कि उस समस्या से वो बाहर निकाले, किसी मनुष्य की ओर भागते, किसी भाई के, किसी बहन के, किसी जन की तरफ भागते कि वो आपको सिचुएशन से बाहर निकाले, वो आपको परिस्थिति से बाहर निकाले। लेकिन याद रखिए कि आपको परिस्थिति से निकालने के लिए आपका खुद का हथियार है, कोई इंसान आपका हथियार नहीं है। आपको परिस्थितियों से, आपको अंधकार से निकालने का कोई मनुष्य परमेश्वर ने हथियार नहीं बनाया, परंतु इससे जो परमेश्वर का वचन कहलाता है, जो पवित्र कहलाता है, ये आपका हथियार बनाया। हालेलुया। कोई मनुष्य आपके लिए हथियार नहीं है कि वो आपको सिचुएशन से, परिस्थितियों से, बीमारी से, लाचारी से बाहर निकालेगा। ये वर्ड ऑफ गॉड अगर आपको कोई अगर कहेगा भी, अगर आपको परमेश्वर, आप किसी अभिषेक जन के पास जाएंगे तो वो आपको अपनी तरफ से भी निकालेगा, वो भी इसी के अंदर से बात करेंगे। आज हम खुदा के दासों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अपने परिस्थितियों का, अपनी स्थितियों का को उनको बताते हैं, तो वो हमें फिर वो भी हमें वचन ही देते हैं, वो भी खुदा का कलाम देते हैं। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा अवसर, सबसे बड़ा शैतान का अवसर वचन से बाहर बिताया गया जीवन ही है। शैतान को बड़ा अवसर कौन सा जीवन देता है? जो वचन से बाहर का जीवन होता है, जो वचन से बाहर का चाल चलन होता है, जो खुदा के कलाम से बाहर चाल चलन जिया जाता है, वही शैतान को अवसर देता है कि वे आपके जीवन में एंटर करे। हालेलुया। वो आपकी लाइफ में प्रवेश करे। हालेलुया। और ये अवसर हम बिना मनन करने के कारण देते हैं। हम खुदा के वर्ड को, खुदा के कलाम को रिमेम्बर ना रखकर, उसको अपने जीवन में हिस्सा ना देकर, उसको अपने जीवन में जगह ना देकर, हम उस काम को होने देते हैं और वो धीरे धीरे हमें दबाना शुरू कर देता है। हालेलुया। हमारी लाइफ को, हमारी हर एक क्षेत्र को, जो जिंदगी का हमारा है, जो हर एक क्षेत्र जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा है, वो आत्मिक है, संसारिक है, पारिवारिक है, जो भी क्षेत्र हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उन सब क्षेत्र में वो दबाव को पैदा करता है। वो हर एक क्षेत्र में एक प्रेशर को लाता है, जिसकी वजह से हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी है बिखर जाती है। हालेलुया। आपकी लाइफ से बाहर निकल जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? निराशाएं, दुख, लाचारी और बीमारी मिलती है। इससे बेहतर परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है, खुदावन का कलाम आज हमसे बात कर रहा है कि आपको पहला स्थान जो अपने जीवन का देना, अपने जीवन के 24 घंटों में आपको परमेश्वर के वचन को हिस्सा देना, परमेश्वर के वचन को भाग देना है, अगर आप चाहते कि शैतान को अवसर ना मिले। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन याकूब की किताब में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन हम सामना नहीं करते, हम उसके दबाव में दब जाते, हम उसके प्रेशर में आकर दब जाते और वही जिंदगी शुरू कर देते हैं जो उसको अच्छी लगती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान का सामना करना है, तलवार लेकर नहीं, डंडा लेकर नहीं, परमेश्वर का वचन लेकर। हालेलुया। शैतान का सामना आप संसारिक हथियारों से नहीं कर सकते। शैतान का सामना आप परमेश्वर के वचन को मनन कर, वचन को स्मरण कर, वचन में चलकर आप उसका सामना कर सकते हो। और जब वचन आपके साथ चलेगा, जब वर्ड आपके पास होगा, जब कलाम आपके अंदर होगा, तो शैतान को स्थान कहीं नहीं मिलेगा, उसको कोई जीवन का हिस्सा आपकी लाइफ में एंट्री करने को नहीं मिलेगा। सारे दरवाजे बंद होंगे, आपने सारे डोर्स बंद करने हैं, ना कि खोलने हैं। लेकिन आज हम अपनी बुद्धि का दरवाजा खोलकर बैठे हैं। किस वजह से? संसारिक चीजों को भरने की वजह से, संसारिक बातों को भरने की वजह से। आज क्या है? हमारा दिमाग के दरवाजे खुले जहां से शैतान एंटर कर रहा है। हालेलुया। आज हमने हर एक दरवाजा अपनी जिंदगी का संसारिक बनाकर खोल दिया शैतान के लिए। आज उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, बुद्धि के लिए भी, समझ के लिए भी, आपके हृदय के लिए भी। हालेलुया। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? सारे अंधकार के द्वारों को बंद करता है, सारे शैतान की योजनाओं के द्वारों को बंद करता है। हालेलुया। जब वचन आपके जीवन में आता है, जब वर्ड आपकी लाइफ में एंट्री करता है, तो सब अंधकार के द्वार बंद किए जाते हैं, वो भी परमानेंटली, हमेशा के लिए।
जब वचन एंट्री करता है, जब खुदा का कलाम एंट्री करता है, तो सब नेगेटिव डोर आपके लिए बंद हो जाएंगे, आपकी हानि के सारे दरवाजे बंद किए जाएंगे यीशु नासरी के पवित्र नाम में। परमेश्वर सबसे पहला काम यही करता है, आपकी लाइफ का फर्स्ट वर्क यही होता है कि सब चीजें जो आपकी हानि की है वो आपके जीवन से बाहर कर दी जाएंगी और उसके सारे एंट्री डोर बंद किए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब वर्ड नहीं होता, परमेश्वर का वचन नहीं होता, शैतान के लिए एक भारी, कहते ना, एक बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान अवसर होता है कि वो आपकी लाइफ में जो चाहे वो कर सके, आपकी लाइफ को वैसा चलाए जैसा उसको पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर से दूर करने के लिए, हालेलुया, आपके आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए, आपकी प्रेयर लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, आपकी आपकी पवित्रता को नष्ट करने के लिए उसके पास एक बड़ा अवसर होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रजा का नाश होना सिर्फ ज्ञान की घटी है, वो है वचन की। हालेलुया। वो प्रकाशन की घटी है, वो परमेश्वर के वचन की घटी। हालेलुया। जब ये घटियों पर आप ध्यान देंगे, मैं बता रही हूँ, सारे डोर्स, सारे एंट्री डोर शैतान के लिए बंद किए जाएंगे, कहीं से भी वो प्रवेश नहीं कर सकता, वो आपके आपके किसी भी जीवन के क्षेत्र से एंट्री नहीं कर सकता, माइटी नेम ऑफ जीसस। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन में याकूब खास इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, खास याकूब इस बात के लिए कह रहे कि शैतान क्या कर रहा है, शैतान मौका ढूंढ रहा है, वो अवसर में बैठा है, वो सिर्फ मौके के इंतजार में होता है। हालेलुया। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक मौका चाहिए जो आज हम देते जा रहे हैं, जो आज हमारी लाइफ से उसको मिलता रहता है, हमारे उठने बैठने चलने फिरने सोचने विचारने से जो उसको मौका मिलता जाता है वो उसका यूज करता है। इससे बेटर है कि सारे डोर्स बंद किए जाए, सारे द्वार जो आपके उठने बैठने चलने फिरने सोचने विचारने के द्वारा उसको मिलते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप विचारते हैं, जब आप चलते फिरते हैं, जो भी आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जब आप उस जगह पर परमेश्वर के वचन को रखेंगे, उसकी एंट्री नहीं, वो प्रवेश नहीं कर सकता, वो एंट्री नहीं कर सकता, वो जोर भी नहीं लगा सकता। हालेलुया। आज मैं जितनी भी मैं अभी सेवकाई मैं जितनी भी सेवकाई करती हूँ, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि साथ नहीं दे रही है। हम जब उसे बात करना चाहते हैं, हमारा ध्यान भटकता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है। उसका काम ही यही है, उसका काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। अंधकार को कोई ड्यूटी नहीं मिली है आत्मिक लोगों के जीवन में, आत्मिक लोगों के जीवन में उसको एक ही ड्यूटी मिले कि वह आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। जैसे यूसुफ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने पोतीपर की बीवी को इस्तेमाल करा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए परमेश्वर की योजना से। हालेलुया। पोतीपर की बीवी इसीलिए उसके सामने रखी गई और रोज उससे मिलाई गई कि शैतान सिर्फ क्या करना चाहता था, यूसुफ को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से क्या करना चाहता था, उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। लेकिन एक चीज ने यूसुफ को बचाए रखा, वो है परमेश्वर का वचन, उसका भय। हालेलुया। खुदा के डर ने यूसुफ को बचाए रखा, वरना डिस्ट्रैक्शन रोज उसके पास आती थी और हैवी होने की कोशिश करती थी। पोतीपर की बीवी रोज आती थी और उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, उसको भरमाने की, भटकाने की, बरगलाने की कोशिश करती थी। लेकिन यहोवा का भय यूसुफ के अंदर था जो उसको बचाए रखे था, उसका कलाम उसके अंदर था, उसकी उसकी मर्जियां, उसकी इच्छाएं यूसुफ के अंदर थी, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की मर्जी यूसुफ के अंदर थी। हालेलुया। वो जानता था कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है और परमेश्वर की पसंद और नापसंद क्या है। हालेलुया। यूसुफ इस बात को अच्छे से जानता था कि यहोवा क्या पसंद करता है, यहोवा क्या नहीं पसंद करता, और इसी वजह से यूसुफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसी वजह से यूसुफ बरमाया, भटकाया, बरगलाया नहीं गया।
लेकिन डिस्ट्रैक्शन रोज उसके पास आती थी, रोज उसको प्रेशर देती थी, रोज उसको दबाव देती थी। हालेलुया, आज बाइबल पढ़ते हुए भी शैतान डिस्ट्रैक्शन का दबाव देता है हमें कि हमारा ध्यान उधर जा रहा है, हम पास्ट में जा रहे हैं, हम प्रेजेंट में जा रहे हैं, हम फ्यूचर में जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम पास्ट में चले गए, हम बाइबल पढ़ते हैं हम फ्यूचर में चले गए, हम बाइबल पढ़ते हैं यहां गए वहां गए, हमारा ध्यान नहीं लगता। इसका कारण यही है, शैतान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मत करो, वो ये चाहता है, लेकिन आप ज्यादा करो, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, शैतान चाहता है कि आप मत करो। हालेलुया, शैतान चाहता है कि आप मत करो, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप और ज्यादा करो परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया, वो हमेशा आपको रोकना, आपको आपको भटकाने की कोशिश करता है। हालेलुया, और मैंने एग्जांपल आपको दिया है यूसुफ की जिंदगी। हालेलुया, आप यूसुफ की जब स्टोरी पढ़ेंगे, जब यूसुफ का आप पूरा घटना पढ़ेंगे, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा, डिस्ट्रैक्शन उसका पीछा करती थी एक स्त्री बनकर। हालेलुया, डिस्ट्रैक्शन उसको फॉलो करती थी, रोज उसको प्रेशर देती थी। हालेलुया, आज आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज होगी जो रोज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन आपने ये जानना है कि आपका परमेश्वर क्या चाहता और क्या नहीं चाहता है। हालेलुया, आपको इस बात को अच्छे से समझना, जानना और मानना है और इस पर चलना है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है और क्या नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता और क्या नहीं चाहता। आपको ये वो यहां से हमें डाउन करने की कोशिश करता है, हमारी सोचों को कमजोर करता है, उससे हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। हालेलुया, वो हमारी सोचों में कमी को लेकर आता है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका परमेश्वर महान है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर आप विश्वास करते तो आपके लिए कार्य करेगा। यीशु नासरी के पवित्र नाम में वो आपके लाइफ में कार्य करेगा। माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सिर्फ पास्टर्स का पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों को सिर्फ अपनी सहायता में एक व्यक्ति के बारे में पता है, वो है पास्टर्स, खुदा के खादम, खुदा के दास, खुदा के अभिषिक्त जन। बहुत से लोगों को प्रभु के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनमें सिर्फ एक ही जन के बारे में, बहुत से लोगों को, मैं सबको नहीं कहती, बहुत से लोगों को सिर्फ एक ही जन का पता है, वो है पास्टर्स, खुदा के दास, खुदा के खादम, खुदा के अभिषिक्त जन। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और सहायक जो स्वर्ग से भेजा गया है, वो भी आपके लिए डिवाइन हेल्पर है, वो भी आपके लिए मददगार है, वो भी आपके लिए सहभागी, और वो पवित्र पवित्र आत्मा है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा है जो आपके लिए डिवाइन हेल्पर बनकर अलग तरीके की मदद करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस करा है, उसका परिचय अपने लोगों को दिया है, उसको इंट्रोड्यूस अपने लोगों को पहले ही करा दिया, उसका परिचय वो देकर गया योहन्ना की किताब में, उसको अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करा कर गया, उसके बारे में सारा परिचय, सारी सारा बातें उनको बता कर गया है कि वह क्या करेगा और वो कब आएगा। हालेलुया, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ेंगे हमें पता लगेगा। हालेलुया, जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, एक डिवाइन हेल्पर, एक मददगार है, जिसका इंट्रोडक्शन हमें पहले ही दिया गया है, जिसका परिचय हमें पहले ही दिया गया है, जिसके बारे में हमें पहले ही समझाया गया है। हालेलुया, और वो परमेश्वर के वचन योहन्ना की किताब में लिखा है 16:7 में, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करा रहा है, पवित्र आत्मा को कैसे उसका परिचय दे रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक जो तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के इंट्रोडक्शन है, ये पवित्र आत्मा का परिचय कि यीशु का जाना आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा का आना हमारे लिए आवश्यक है। हालेलुया, और जब तक यीशु मसीह नहीं जाएगा उसको नहीं भेजेगा, क्योंकि वह उसी का ही आत्मा, उसी का ही आत्मा है। हालेलुया, और बाइबल बताती है आपको, ये कब पता चलेगा, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे,
प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन आपको तब पता चलेगा, उसका परिचय आप तब जानेंगे, उसके बारे में आप तब जानेंगे जब आप हम बाइबल को पढ़ेंगे। पूरी बाइबल हमें परमेश्वर की बातों को हर एक स्थिति को हमें प्रकट करती है, हमारे जीवन के हर एक दायरे को, हर एक हिस्से को, हर एक क्षेत्र को प्रकट करती है। हालेलुया, हमारे जीवन का जो भी क्षेत्र, जो भी कोना, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी तरीके में हम हैं, वो बाइबल हम पर प्रकट करती है, वो हम पर रिलीज करती है, वो हम पर जाहिर करती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। हालेलुया, अगर आप वर्ड पढ़ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, ये आपको बताएगी कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया, ये आप पर क्लियर करेगी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ अभी क्या कर रही है, आपका आत्मिक जीवन अभी क्या कर रहा है, आपका स्वभाव अभी क्या कर रहा है, आपकी प्रेयर लाइफ अभी क्या कर रही है, ये आप पर क्लियर करेगी जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तब ये आप पर क्लियर करेगी कि आप क्या हैं और क्या बन सकते हैं। हालेलुया, ये तब क्लियर करेगी जब आप इस पर ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा, शैतान ध्यान पढ़ने नहीं देता, शैतान ध्यान से पढ़ने नहीं देता, शैतान ध्यान से इन बातों को, इन वचनों को हृदय तक जाने नहीं देता, क्योंकि जो चीज हम ध्यान से पढ़ते हैं वो सीधा हमारे हमारी बुद्धि समझ में, हमारे हृदय में वास करती है। हालेलुया, और यही शैतान होने नहीं देना चाहता, यही शैतान हमें करने नहीं देना चाहता कि परमेश्वर का वचन हमारी सोचों में, समझों में, हमारे हृदय में वास करे। हालेलुया, इसलिए वो डिट्रैक्शन को, आपके भटकाने को, आपको बरमाने के लिए वो कार्य करता है। हालेलुया, वो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप खुदा के भवन में होंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। बहुत से लोगों को मैंने चर्च में ही देखा है, वो बैठे बैठे ही दूसरी दुनिया में होते, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट होते। हालेलुया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में है, और अगर आप उसके परिचय को अच्छे से जानते हैं, आप उसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले चुके हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको कोई भरमा, भटका और बरगला नहीं सकता। यीशु नासरी के पवित्र नाम में आमीन। यूसुफ के समान आप कभी भटक नहीं सकते, आप पर जितना मर्जी प्रेशर हो, जितना मर्जी दबाव हो, आप नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर पवित्र आत्मा का परिचय आपको अच्छे से है, अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानते, बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, योहन्ना 16 उसके 13 में लिखा है, परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन, कि जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें क्या बताएगा, सत्य का मार्ग, सही, जो ठीक आपकी लाइफ के लिए, जो आपकी लाइफ को अच्छा रखने के लिए, जो आपकी लाइफ को फलवंत करने के लिए, आपकी लाइफ को फ्रूटफुल करने के लिए, आपकी लाइफ में बड़े प्रतिफल को लाने वाला मार्ग है, वे आपको बताएगा। हालेलुया, जो आपको फ्रूटफुल करेगा, जो आपकी लाइफ को फ्रूट से भर देगा, आपकी लाइफ को फलवंत करेगा, सत्य का आत्मा वो मार्ग बताएगा आपको। ये उसका परिचय है। हालेलुया, ये उसकी इंट्रोडक्शन है। हालेलुया, होली स्पिरिट की इंट्रोडक्शन है कि वे आपको सत्य का मार्ग देगा। सत्य मींस आपकी लाइफ को वो वही रास्ता दिखाएगा जो आपको हानि से बचाएगा, जो आपको पाप से, बुराई से, गंदगी से, अपराध से बचाएगा, वही रास्ते पे आपको लेके जाएगा। ये होली स्पिरिट का परिचय, ये पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन है कि वो कैसा है, वो आपकी लाइफ में क्या करेगा। हालेलुया, और बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। क्या लिखा है कि वह अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा,
अपनी तरफ से कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कुछ अपनी तरफ से नहीं, परंतु वो जो सुनेगा, जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो परमेश्वर चाहता होगा, वो ही वो आपको कहेगा। पवित्र आत्मा का ये परिचय है। हालेलुया। अपनी तरफ से कोई प्रोफेसी नहीं, अपनी तरफ से कोई विजन नहीं, अपनी तरफ से कोई दर्शन नहीं, अपनी तरफ से कोई ड्रीम नहीं, अपनी तरफ से कोई वचन में तोड़ मरोड़ नहीं, जो सुना जाएगा वही कहा जाएगा। हालेलुया। जो सुनाई देगा, जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो स्वयं स्वर्ग का कहा गया होगा, वे वही आपको बताएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देगा, आगे 14:16-14 में क्या लिखा है, वे मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वे मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। वो सिर्फ प्रेज करेगा। होली स्पिरिट का इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, पवित्र आत्मा का परिचय आपको बता रही हूँ कि वो आपकी लाइफ में क्या करेगा। वो प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह नासरी को आपकी लाइफ से प्रेज देगा। वो आपको सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगा। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, वो आपको बरमाए भटकाए बरगलाए जाने नहीं देगा। वो आपको फ्रूटफुल करने का मार्ग देगा, जहां से आप फलवंत और जयवंत होंगे, जहां से आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। वो आपको उसी मार्ग में, उसी रास्ते में, उसी चाल चलन में, उसी जीवन शैली में आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। वो आपको वही जीवन शैली सिखाएगा, वे वही आपको मार्ग दिखाएगा जिसमें आप उत्तम होंगे, जिसमें आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। आमेन। वो वही तरीका आपकी लाइफ में लेकर आएगा, वही तरीका आपके अंदर डालेगा। माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं बिलीव कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन का वर्ड आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है, यीशु नासरी के पवित्र नाम में। उसका वचन आपके जीवन में एक बड़ा हिस्सा ले रहा है। हालेलुया। उसके वर्ड के द्वारा आप छुड़ाए और बचाए जा रहे हैं। मैं बिलीव करती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास करती हूँ यीशु नासरी के पवित्र नाम में। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में वो सब कुछ करेगा जो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने का होगा, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह को महिमा देगा मिलेगी। हालेलुया। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो मतलब होली स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके आपके मार्गों में आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। होली स्पिरिट आपको मार्ग दे रहा है। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, तब तक आप जीत नहीं सकते। हालेलुया। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होती, हम उस काम को करने के लिए सफल नहीं होते, उस काम में हम फेल हो जाते हैं, उस चीज को करने में हम असफल हो जाते हैं बिना जानकारी के। हालेलुया। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं, आप उस काम में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं है तो आप शैतान से नहीं लड़ सकते। आप उसकी उसकी योजनाओं को, उसकी युक्तियों को, उसकी चलाकियों को आप नहीं समझ पाएंगे, और हर बार वो आपको गिराएगा और आप गिर जाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसकी चलाकी हमें कब समझ आएगी? जब आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति आपको बताएगी कि वो कितना चलाक है, और प्रकाशित वाक्य आपको बताएगा कि वो कहां जाएगा। हालेलुया। और वो यही आपको बताना आपकी जानकारी में जाने नहीं दे रहा, इन्हीं बातों को वो आपकी जानकारी बनने नहीं दे रहा। वो आपको ये बात तक आपको ये बताना और ये ज्ञान आपके अंदर डालना ही नहीं चाहता कि वो कितना चलाक है। हालेलुया। इसलिए वे आपको बाइबल पढ़ने नहीं देता, इसलिए वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान को आपको बटोरने नहीं देता, इसलिए वो आपको प्रकाशन की गहराई में जाने नहीं देता, क्योंकि इससे उसकी चलाकियां, इससे उसके षड्यंत्र, उसकी युक्तियां हमें समझ आएंगी, उसको हराने की ताकतें हमें मिलेंगी,
क्योंकि वचन जैसे बढ़ता जाएगा हमारी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, हम बढ़ते जाएंगे और उसकी ताकतें कमजोर होंगी, वो हमारी ताकत को बढ़ने नहीं देना चाहता, इसलिए वो आज हमें वर्ड ऑफ गॉड से दूर रखता है, खुदा के कलाम से हमें दूर रखना चाहता है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, हमें भटकाना चाहता है। आज प्रभु के मार्ग से बहुत से लोगों को वो भटका रहा है और भटका चुका है और भटकाने वाला है, लेकिन आज अगर ये वचन आप तक पहुंच गया और परमेश्वर के वचन को आपने सुन लिया, ग्रहण कर लिया है और मान लिया है और आप चलने वाले, तो मैं बता रही हूं उसके लिए सारे डोर्स बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते यीशु नासरी के नाम में, सारे दरवाजे यीशु नासरी के पवित्र नाम में बंद कर दिए गए। मेरे परमेश्वर ने सब पर ताला लगा दिया यीशु नासरी के पवित्र नाम में, सारे अंधकार के दरवाजे जहां से वे एंट्री करते ताला लग चुका है यीशु नासरी के पवित्र नाम में। मैं बिलीव करती हूँ यीशु नासरी के पवित्र नाम में, विश्वास करती हूँ यीशु नासरी के पवित्र नाम में, आमेन। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने भी रिसीव कर लिया है। अगर आप चाहते कि शैतान के हर एक योजनाओं पे ताला लग जाए, हर एक युक्तियों पे ताला लग जाए, उसकी हर एक चलाकी पर ताला लग जाए, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को जानना और पवित्र आत्मा के परिचय को आपने समझना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा को आपने समझना है और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और बहुत कीमती हिस्सा बनाना है, उसको बड़ा महत्व देना है अपनी लाइफ में, आपको उसको बड़ा महत्व देना है, पवित्र आत्मा को एक बड़ा महत्व, बड़ा हिस्सा अपनी लाइफ में देना है। अगर आप शैतान की योजनाओं पे ताला लगाना चाहते हैं, अंधकार के दरवाजों को, आपकी हानि के दरवाजों पर अगर आप ताला लगाना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा को बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, बड़ा भाग देना पड़ेगा, आपको उसको बड़ा बड़ा अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हालेलुया, तब आप उन सब चीजों को अपनी लाइफ से बाहर कर पाएंगे यीशु नासरी के पवित्र नाम में। हालेलुया, आज बहुत से लोग यही कहते हैं कि हम बढ़ नहीं पा रहे, हम बढ़ नहीं पा रहे, हम स्थिर नहीं हो पा रहे, हम वो काम नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर काम करना चाहते हैं, हम वो नहीं, वो परमेश्वर को वक्त, वो समय, वो हिस्सा नहीं दे पा रहे जो हम देना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही तो सबसे बड़ी बात है जो शैतान आपको करने नहीं दे रहा, इसी में तो रुकावट है। और किस चीज में रुकावट है? कि वो परमेश्वर का, परमेश्वर को देने नहीं दे रहा, वो समय हो, वो हिस्सा, वो कुछ भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर का भाग है वो उसे नहीं देने दे रहा, क्योंकि जब आप परमेश्वर को उसका भाग देंगे तो परमेश्वर आपको उसको दुगना देगा। हालेलुया, अगर आप उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हजारों गुना प्रतिफल देगा और वो अपने अभिषेक को उंडेलता जाएगा जिससे शैतान भागेगा। हालेलुया, उसको भागना पड़ेगा और वो भागता ही फिरेगा यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया, वो भागता ही फिरेगा आपकी लाइफ में, उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा, उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा, उसको कोई दरवाजा नहीं मिलेगा, उसको भागते ही रहना पड़ेगा और एक दिन वो हार के टिक जाएगा ठिकाने। हालेलुया, लेकिन आपको तैयार होना है, आपको उसके लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार होना, उससे नहीं भागना, उसको भगाना है। हालेलुया, उसको भगाना है, हम आपने नहीं भागना उससे, उसको भगाना है और वो वचन से भागेगा। माइटी नेम ऑफ जीसस। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का उम्मती 4 में जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने किसी का सहारा नहीं लिया, ना अपने पिता का, ना स्वर्ग दूतों का, ना ही अपने सामर्थ्य का। हालेलुया, उसने किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करा, ना अपने पिता को, ना स्वर्ग दूतों को, और ना ही अपनी सामर्थ को। उसने अगर इस्तेमाल करा तो परमेश्वर का वचन किया। हालेलुया, और उससे शैतान भागा फिरा, भागा फिरा और अंत तक भागता रहा और आज भी भागा फिर रहा है क्योंकि उसका अंत निकट है। हालेलुया, आपने भी उसको अपनी लाइफ से भगाए फिरना है। कैसे? वर्ड से, परमेश्वर के वचन से। ओ जीसस, रिब्रा खानदाना मोसो को वर्ड से भगाए रखना है उसको। हालेलुया, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे शैतान घटता जाएगा, उसकी उसकी योजनाएं
उसकी ताकतें, उसकी सारी चीजें जो आपकी लाइफ में छुप कर बैठी हुई हैं, वो घटती जाएंगी। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको निकलना पड़ेगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि पवित्र आत्मा को जाने, वो आपका सहायक, आपका मददगार है, वो आपका अगुवा, आपका मित्र है। बाइबल बताती है वो हमारा मददगार, हमारा सहायक, हमारा अगुवा और हमारा मित्र है। हम अपने दोस्त के साथ कैसे रहते हैं? आज आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक सिंगल फ्रेंड जरूर होगा जिसके साथ आप कनेक्टेड होंगे। कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड जरूर हो, कोई ना कोई ऐसी बहन या कोई भाई आपकी लाइफ में होगा, एक ही सही लेकिन होगा जरूर, जिसके साथ आपका कनेक्शन है, जिसके साथ आप जुड़े हैं, अपने जीवन की बातों को साझा करते हैं। वैसे ही सेम रिलेशनशिप पवित्र आत्मा का आपके साथ है, वही सेम अदा आपके लिए पवित्र आत्मा का भी है कि वो आपका मित्र है, वो आपका सहायक, आपका फ्रेंड है। आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपने फ्रेंड को ट्रीट करते हैं। सारी बातों को खोलकर उसके सामने रखना। और मैं बता रही हूँ, वो सहायक बनकर, वो डिवाइन हेल्पर बनकर, वो मददगार बनकर आपको सिचुएशन से, परिस्थिति से, उन सारी बातों से खींचकर बाहर लाएगा और आपको महिमा का हिस्सा बनाएगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। आपको प्रेज का कारण बनाएगा, वो आपको प्रभु की प्रशंसा का कारण बनाएगा यीशु नासरी के पवित्र नाम में। मैं बिलीव करती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। लेकिन आपको तैयार होना है वर्ड के साथ, खुदा के कलाम के साथ आपको तैयार होना है। हालेलुया। वर्ड के साथ आपको तैयार होना है, तब आप समझ पाएंगे। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ खुदा का वचन आपके जीवन में जगह ले रहा है और आज वो बहुतायत से आपकी लाइफ में कार्य कर चुका है यीशु नासरी के पवित्र नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। जो हमने यूहन्ना की किताब उसके 16:7 को पढ़ा, 7 और 8 को पढ़ा और 13 को पढ़ा। हालेलुया। मैं बिलीव करते इस वचन को आपने मेरे साथ दोहराया और मेरे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग दी है। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपने इस लाइव को बहुत से लोगों तक बांटा है, क्योंकि जब जो लोग खुदा की उपस्थिति को बांट रहे हैं तो उसका दुगना पा रहे हैं। आमेन। वो उस आशीष का जो उन्हें मिलने वाली है उसका दुगना पा रहे हैं अगर आप खुदा की उपस्थिति को बांट रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि मैं लाइव 24, 25, 26, 27 इन चारों दिन में लगातार 7 PM लाइव आऊंगी। फास्टिंग प्रेयर हमने रखी हुई है, उपवास की प्रार्थना मैंने रखी है, जिसमें हम चारों दिन लगातार उपवास में प्रार्थना करेंगे और लाइव में शामिल होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ उपवास की प्रार्थना में शामिल हो, तो कल भी 7 PM लाइव होएगी, खुदा के वचन को लेकर आया जाएगा और खुदा के वचन से हम आशीष पाएंगे, मैं बिलीव करती हूँ। तो आज की लाइव थोड़ी लेट हुई, लेकिन कल टाइम से 7 PM हम इस पेज पर लाइव आएंगे फास्टिंग के साथ। तो मैं बिलीव करती हूँ खुदावन इस उपवास की प्रार्थना में आपको बल देगा, ताकत देगा और आपके रास्तों को खोलेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे, आपके साथ हो। और कल फिर 7 PM हम खुदा की उपस्थिति में आएंगे, शामिल होंगे और आप इस लाइव को शेयर करें, खुदा के वचन को आप बांटें, ताकि आपकी आशीष भी मल्टीप्लाई हो यीशु नासरी के पवित्र नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष बरकत दे, आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।